नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान वर्स मुंबई के बीच में जो आईपीएल का 14वां मुकाबला खेला जाना है उसकी, और भाई इस मैच में क्या होने वाला है, कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, कैसे आपको आज के मैच में टीम बनाना है, कौन से प्लेयर्स रहेंगे इंपॉर्टेंट, और क्या रहेगी पिच रिपोर्ट, कौन आज का मैच जीतने वाला है, सब कुछ ए टू जेड आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। और भाइयों, कल फिर आपके भाई ने धूम मचा दी। कल दोनों ही मैचों में बड़े ज़बरदस्त क्लीन स्वीप किए, मतलब 300 पॉइंटों से हराया है सबको कल आपके भाई ने। और बस एक प्लेयर से मेरी ग्रैंड लीग मिस हो गई दोनों ही मैचों में एक एक प्लेयर से ग्रैंड लीग मिस हुई कल। बाकी इस आईपीएल में आपके भाई ने दो मैचों में ग्रैंड लीग भी जीती है, और अगर आपको देखना है तो मैं शॉर्ट वीडियो डाल चुका हूँ, आप शॉर्ट वीडियो देख लेना एक मिनट की, ठीक है। और बाकी इंस्टाग्राम पे भी जाके आप देख सकते हो ग्रैंड लीग की आपके भाई की रील्स जो है वो वायरल भी हो चुकी है। तो इंस्टाग्राम की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, ग्रैंड लीग विनिंग्स प्रूफ आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। डीसी वास आरआर का जो मैच था ना, आरआर का जो लास्ट मैच था, उस मैच में आपके भाई ने सारी ग्रैंड लीग में टॉप किया था, ठीक है। बाकी कल भी जीतने वाला था, सीएसके और गुजरात दोनों के मैचों में जीतने वाला था, पर एक एक प्लेयर से मिस हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। आज का मैच भी जबरदस्त रहने वाला है, होगा तो आज भी आपका भाई ग्रैंड लीग में टॉप करने वाला है। बाकी होगा क्या आज के मैच में, उसके ऊपर बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो भाई सबसे पहले आज के मैच की पिच रिपोर्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। वानखेड़े में मैच खेला जाएगा, मुंबई का होम ग्राउंड है, और इस पिच पे होता क्या है वो बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको टीम का बता देता हूँ। मुंबई वर्स राजस्थान का मैच है आज, थोड़े ज़्यादा जीतने के चांसेस मुंबई के रहने वाले हैं। मुंबई लास्ट दो मैच हार के आई है, राजस्थान लास्ट अपने दो मैच जीत के आई है, तो आज जो है मुंबई के जीतने के चांसेस है, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से हारती है। लास्ट ईयर गुजरात वर्स एमआई का मैच था, उस दिन सब लोग गुजरात बोल रहे थे, आपके भाई ने बोला था मुंबई, तो मुंबई ने गुजरात को भी यहाँ पर हराया था, जब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टीम थी गुजरात की लास्ट ईयर। तो होम ग्राउंड का एडवांटेज मिलता है भाइयों यहाँ पे मुंबई को, बड़ी मुश्किल से हारती है। बाकी आईपीएल में हर मैच में आपके भाई ने जिस टीम का बोला है वही टीम मैच जीत रही है, तो आज मुंबई का बोल रहा हूँ। बाकी अब बात करते हैं पिच की, कि पिच पे क्या होने वाला है उसकी। तो भाइयों यहाँ पे फास्ट गेंदबाजों को बड़ी ही ज़बरदस्त हेल्प मिलती है, लेकिन स्पिनर्स भी गेम में रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा हेल्प की बात की जाए तो फास्ट गेंदबाजों को मिलेगी, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। तो थोड़ा आज फास्ट गेंदबाजों पे फोकस करना, लेकिन इसके अलावा आप स्पिनर्स भी इस मैच में लेके चलना। वो कौन से स्पिनर्स रहेंगे मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। तो पिच आपको समझ में आई, देखो फास्ट गेंदबाजों को विकेट शूट करेगा, मुंबई के थोड़े ज़्यादा जीतने के चांसेस रहेंगे। और यहाँ पे भाई वो रन चेस बड़ी मुश्किल से होता है, रन डिपेंड होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कई बार यहाँ पे टीम टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही चूज करती है, और भाई देखो आज मुंबई थोड़े जीतने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, पहले बैटिंग करते हुए भी और पहले बॉलिंग करते हुए भी। तो मुंबई के फेवर में अगर आप आज की टीम बनाते हो तो बढ़िया आपका काम होगा। लेकिन हाँ, राजस्थान के दो प्लेयर बल्लेबाज बहुत तगड़े रहने वाले हैं, उनको भी आप सीवीसी बना सकते हो। तो वो दो बल्लेबाज कौन से रहेंगे वो भी आपको अभी आगे पता चल जाएगा, ठीक है भाइयों। तो पिच रिपोर्ट जो थी आपको समझाई मैंने, फास्ट गेंदबाजों को विकेट शूट करेगा, मुंबई के जीतने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बाकी स्पिनर्स भी यहाँ पे विकेट लेके जाते हैं, तो स्पिनर्स कौन से लेना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। बाकी फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में कौन से फास्ट गेंदबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी बता दूंगा। आपका भाई जिस फास्ट गेंदबाज का बोलता है वही चलते हैं, बस आपको ध्यान रखना होता है कि भाई क्या बोल रहा है किस कंडीशन में। कल मैंने बोला था दीपक चेर और तुषार देशपांडे फर्स्ट बॉलिंग में नहीं चलेंगे, और गुजरात के मैच में क्लियर बोला था मोहित शर्मा फर्स्ट बॉलिंग में विकेट लेने वाला है और कल कैप्टन बनाए, और आपके भाई ने कैप्टन बनाया था। तो आज कौन से फास्ट गेंदबाज चलेंगे भाई वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पिच रिपोर्ट जो कुछ था मैंने आपको समझा दिया, बाकी पिच पे किस कंडीशंस में कौन से प्लेयर्स आपको लेना है वो भी आपको मैं समझा दूंगा अभी टीम बनाते हुए। तो ये तो हो गई पिच रिपोर्ट, और अब इसके बाद में क्या है, तो भाई वो एक स्पेशल है आपके लिए इस वीडियो में मैंने एक गिव अवे रखा है, और गिव अवे आपको कैसा मिलेगा वो समझा देता हूँ, फिर डायरेक्ट मैं आपको आज के मैच की टीम बना के बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका गिव अवे ओपन कर लेता हूँ,
भाई कल आप मेरे टेलीग्राम पे आके टीम देखो, बाकी अभी मैं आपको जब ड्रीम इलेवन ओपन करूंगा तो कल का रिजल्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको सबसे पहले आपका जो गिव अवे है उसके बारे में समझा देता हूँ। चल तो भाइयों आपको गिव अवे कैसा मिलेगा समझा देता हूँ। लीग इलेवन पे आपको मेरी तरफ से गिव अवे मिलने वाला है। देखो 15,000 रुपए का गिव अवे आपको फ्री में मिलने वाला है भाइयों, ये सिर्फ आपके भाई के यूजर्स के लिए है। तो अगर आपके पास में लीग 11 नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। डाउनलोड करने पर आपको मेरी तरफ से 100 रुपये भी फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो दो चीज़ों को गिव अवे मिल रहा है, प्लस 100 रुपये फ्री मिल रहा है फर्स्ट टाइम डाउनलोड करने पर। अब इसके अलावा एक चीज़ और है खास बात, अगर आप लीग 11 पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हो, लीडर बोर्ड में टॉप करते हो, तो आपको थाईलैंड जाने की ट्रिप भी मिलने वाली है, ठीक है। तो तीन चीज़ हो गई। अब एक चीज़ हो रही है भाइयों, बहुत खास है वो, तो वो खास बात क्या है चलो मैं आपको बताता हूँ यहीं पे। और हाँ यहाँ पे आईफोन का भी गिव अवे है भाइयों, 22 रुपये का कॉन्टेस्ट है, साथ में 65,000 है प्लस आईफोन है, तो ये ग्रीन लीग भी बड़ी शानदार है। तो लीग 11 डाउनलोड जरूर कर लेना, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। अब इसके अलावा लीग 11 पे आपको एक चीज़ और मिलती है जिसकी वजह से मैं यहीं पे खेलता हूँ, तो भाइयों उसका रीज़न है ये, यहाँ पे कॉन्टेस्ट आपको बहुत सस्ते मिलेंगे। जो कॉन्टेस्ट दूसरी साइड पे 3,850 का होता है 10,000 का फर्स्ट प्राइस का, वो यहाँ पे आपको 3,665 का मिलेगा। जो कॉन्टेस्ट 4 मेंबर का 2,999 का होता है, यहाँ पे आपको 2,725 का मिलेगा। तो भाइयों यहाँ पे सारे ही कॉन्टेस्ट पे एंट्री फीस बहुत कम है, तो अगर आपको कम पैसों में ज़्यादा विनिंग्स करना है तो भाइयों डाउनलोड कर लेना लीग 11, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। प्लस यहाँ पे भाइयों कंपटीशन बहुत कम है, इसी वजह से स्मॉल लीग्स में सिर्फ यहीं पे खेलता हूँ। यहाँ पे भाई देखो कंपटीशन कम है, प्लस कम पैसों में ज़्यादा विनिंग्स है, तो अब यार भाई आसानी से कौन नहीं जीतना चाहता है, और प्लस कम पैसों में ज़्यादा विनिंग्स हो रही तो कौन नहीं खेलेगा। तो डाउनलोड कर लेना लीग 11, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको मेरी तरफ से लीग 11 पे, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना। प्लस हाँ एक बात और है खास, यहाँ पे भाइयों आप दो तरीके से टीम बना सकते हो, जैसे पहले बनती थी 3 बल्लेबाज 3 गेंदबाज मिनिमम रखना ही पड़ते थे, मैक्सिमम 4 ऑलराउंडर ही ले सकते थे, तो वो फीचर अभी भी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो नया फीचर है 10 प्लेयर एक टीम के, एक प्लेयर दूसरी टीम का भी आप ले सकते हो। तो ये जो आपको टी शर्ट का निशान दिख रहा है यहाँ पे आपको वो जो नया फीचर है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आप मनमानी अपनी टीम भी बना के खेल सकते हो, ठीक है भाइयों। तो सब कुछ मैंने आपको लीग 11 का बता दिया, डाउनलोड जरूर कर लेना। गिव अवे 100 रुपये फ्री प्लस थाईलैंड जाने की ट्रिप, आईफोन का मेगा कॉन्टेस्ट, एंट्री फीस कम, कंपटीशन कम, सब कुछ है भाइयों यहाँ पे, तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है भाइयों। अब लीग 11 का करेंगे चैप्टर क्लोज, चलेंगे सीधे ड्रीम 11 पे। कल का रिजल्ट दिखाता हूँ फिर आपको टीम बना के बताता हूँ। तो ओपन कर लेता हूँ ड्रीम इलेवन ओपन हो गया भाइयों। सबसे पहले मैं आपको कल के दोनों मैचों का रिजल्ट दिखाता हूँ। तो ये था DC वास CSK मैच का रिजल्ट, और ये टीम आपके भाई ने चैनल में दी थी भाइयों। कैसी टीम थी कमेंट करके बताना, ओपन टीम दी थी, देख लो। तुषार देशपांडे, दीपक चेर को ड्रॉप किया था, फ्लॉप गए थे। मुकेश कुमार, खलील अहमद का क्लियर बोला था सेकंड बॉलिंग में विकेट लिए। पथिराना का बोला था फर्स्ट बॉलिंग में विकेट लेके गया। बोला था दिल्ली पूरी जान लगाने वाली है जीतने के लिए, दिल्ली जीत गई, सारे प्रेडिक्शन पास। और देखो इसी टीम की मैंने 20 टीम बनाई थी जो आपको चैनल पे दी थी, देखोगे। बस भाई CVC भी परफेक्ट बैठ गए थे, ईशान शर्मा और मुस्तफिजुर रहमान को अगर मैं चेंज करके धोनी और रहाणे को ले लेता तो 4.5 करोड़ रुपए जीत जाता। सारे ग्रैंड लीग के कॉन्टेस्ट लगे हुए थे, 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ वाले। ये था भाइयों कल के दूसरे मैच का रिजल्ट, और ये है भाइयों कल के पहले मैच का रिजल्ट। ये टीम थी मेरी भाइयों GT वास SRH के मैच में। कैसी है टीम कमेंट करके बताना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई नहीं तो इस मैच में भी ग्रैंड लीग विन हो जाती। नाल कंटे की बॉल पे उमेश यादव ने आखिरी ओवर में कैच छोड़ दिया था, 19वें ओवर में वो विकेट मिल जाता तो इस टीम से भी मिनी जीएल विन हो जाती। बाकी इस टीम के भी मैंने 20 कॉम्बिनेशन बनाए थे, दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये बस नाल कंटे मेरा फ्लॉप हो गया, बाकी यार एक प्लेयर और मिस रह गया था, ठीक है। बाकी आपका भाई IPL के हर मैच में धमाके कर रहा है, तो आज के मैच में होगा तो ग्रैंड लीग भी आपका भाई विन कर लेगा फिर से। तो बता देता हूँ आज के मैच में क्या होने वाला है, क्या प्लेइंग 11 है, किसको मैं क्यों लेने वाला हूँ। चलो
सबसे पहले बात करेंगे आज के मैच की प्लेइंग 11 के ऊपर, इंपैक्ट प्लेयर के ऊपर। आपका भाई जिस प्लेयर का बताता है वही इंपैक्ट में खेलने आते हैं, ठीक है। तो चलो अभी बता देता हूँ इंपैक्ट प्लेयर आज के मैच में कौन से रहने वाले हैं। देखो भाई, एमआई पहले बॉलिंग करता है, तो यहां से आज आपको मालूम है कौन सब्स्टिट्यूट में खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। एमआई पहले बॉलिंग करेगा, तो हो सकता है आज के मैच में आपको रोमारियो शेफर्ड प्लेइंग 11 में दिखाई दे, ठीक है। तो प्लेइंग 11 में आ जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूट में कौन आएगा? यहां से देखो, तिलक वर्मा आ जा सकता है सब्स्टिट्यूट के रूप में, या फिर रोहित शर्मा, ठीक है, अगर पहले एमआई बॉलिंग करता है तो। अगर एमआई पहले बैटिंग करता है तो आपको एक गेंदबाज आएगा सब्स्टिट्यूट के रूप में। कौन सा गेंदबाज होगा वो बता देता हूं, एम फाका आपको सब्स्टिट्यूट के रूप में, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलता हुआ दिखाई दे सकता है सेकंड बॉलिंग में, ठीक है। रोमारियो शेफर्ड भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक आएगा, एक विदेशी प्लेयर, ठीक है। बाकी यार लास्ट मैच में ब्रेविस को आना चाहिए था, तो शेफर्ड पता नहीं कहां से आ गया, हार्दिक पांड्या कप्तानी पता नहीं कैसी क्या कर रहा है, ठीक है छोड़ो। बाकी राजस्थान पहले बैटिंग करता है, तो नांद्रे बरगर आपको फिर से खेलता हुआ दिखाई देगा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। लास्ट मैच में ग्रैंड लीग जिताई थी नांद्रे बरगर ने, सिलेक्शन कुछ भी नहीं था। तो आरआर पहले बैटिंग करेगा, तो आपको नांद्रे बरगर सेकंड इनिंग में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलता हुआ दिखाई देगा, बॉलिंग पूरे चार ओवर डालता हुआ दिखाई देगा। अगर मान के चलो राजस्थान पहले बॉलिंग करती है, तो भाई यहां से मैं आपको बता दूं, राजस्थान अगर पहले बॉलिंग करेगी तो नांद्रे बरगर रहेगा प्लेइंग 11 में, और फिर आपको हेटमायर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है भाइयों। तो ये था इंपैक्ट प्लेयर, सब्स्टिट्यूट प्लेयर और प्लेइंग 11 आज की दोनों टीमों की, ठीक है। अब इनमें से लेना किस किस को है, क्यों, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन में, जोस बटलर, संजू सैमसन और ईशान किशन आपको विकेट कीपर सेक्शन में दिखने वाले हैं, और संजू सैमसन और ईशान किशन आपको दोनों विकेट कीपिंग भी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। संजू सैमसन आपको वन डाउन बैटिंग करता हुआ दिखाई देगा, जबकि ईशान किशन ओपनिंग पे दिखाई देने वाला है। एक लेफ्टी एक राइटी है, संजू सैमसन राइट हैंडर बल्लेबाज, ईशान किशन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। बाकी लेना किसको है उसके ऊपर भी अभी आगे बात करेंगे। बाकी जोस बटलर जो है वो आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देगा, लेकिन विकेट कीपिंग करता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब बात करेंगे इसके ऊपर कि इन तीनों में से लेना किस किस को है। देखो भाई, अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो तीनों के साथ चले जाओ, तीनों का फॉर्म जबरदस्त है, और क्या है कि जोस बटलर के एमआई के खिलाफ रिकॉर्ड बड़े जबरदस्त है। तो आज के मैच में जोस बटलर कैप्टन बन सकता है भाइयों, क्योंकि एमआई के खिलाफ हमेशा रन बनाता है। तो जोस बटलर पे आज निगाह बना के रखना भाइयों, आज लंबी इनिंग आ सकती है। दोनों मैचों में कुछ नहीं किया है, लेकिन आज के मैच में बहुत कुछ कर सकता है, तो जोस बटलर मेरी टीम में रहने वाला है। बात करेंगे और किसको मैं लेने वाला हूँ, तो भाई ईशान किशन को भी लेने वाला हूँ। वानखेड़े के पीछे एमआई की थोड़े जीतने के ज्यादा चांसेस है, तो आज ईशान किशन का बल्ला ज्यादा बोल सकता है, प्लस विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं। एमआई जीतेगा तो ईशान किशन अच्छे खासे आपको कैचिंग के, स्टंपिंग के, रनआउट्स के पॉइंट्स दिला सकता है, ठीक है। बाकी संजू सैमसन को भी लेने वाला हूँ भाइयों। क्यों लेने वाला हूँ, सबसे मेन विकेट कीपिंग कर रहा है, प्लस वन डाउन बैटिंग कर रहा है, फ्लॉप होने के चांसेस कम है, एमआई के खिलाफ रिकॉर्ड बड़े जबरदस्त है। हाँ, लेकिन पीयूष चावला की बॉल पे फंस जाता है, तो पीयूष चावला आएगा थोड़ा लेट, और संजू सैमसन वन डाउन बैटिंग करता है। लेकिन हाँ, आज आरआर का विकेट थोड़ा सा लेट गिरने के चांसेस हैं। क्यों है, तो देखो बटलर फॉर्म में नहीं मतलब एमआई के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो बटलर का विकेट थोड़ा लेट जा सकता है। बाकी जयसवाल के ऊपर आगे बात करेंगे, जयसवाल के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ से विकेट कीपर में भाइयों, तीनों ही विकेट कीपर आपको जबरदस्त काम करके दे सकते हैं। अगर आप रिस्की प्लेयर हो, रिस्क लेके खेलते हो, तो चाहो तो एक विकेट कीपर के साथ में भी जा सकते हो, चाहो तो जोस बटलर के साथ में भी आप जा सकते हो, या फिर ईशान किशन के साथ अकेले के साथ में भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो विकेट कीपर का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सीधे बैटिंग सेक्शन में आ गया हूँ। बात करेंगे बल्लेबाजी सेक्शन में कौन कौन से प्लेयर्स आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शिमरन हेटमायर, तिलक वर्मा, टीम डेविड, डी जुरेल, ये सब के सब आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं भाइयों, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, रोमन पोवेल, अगर आरआर की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, तो हो सकता है रोमन पोवेल आपको सेकेंड इनिंग में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलता हुआ दिखाई दे। तो थोड़ा ध्यान रखना रोमन पोवेल पे, सेकेंड बैटिंग है अगर राजस्थान की, तो इंपैक्ट में आके आपको अच्छा काम करके दे सकता है, ठीक है।
थोड़े मुंबई के आज जीतने के ज्यादा चांस है, तो सेकंड बैटिंग में रोमन पोवेल अच्छा काम कर सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी बात करेंगे भाइयों कि बैटिंग सेक्शन में किस किस प्लेयर को मैं क्यों लेने वाला हूं उसके ऊपर। तो भाइयों सबसे पहले आज के मैच में बैटिंग सेक्शन में किसको लेने वाला हूं बता देता हूं। तो भाइयों सबसे पहले आज मैं लेने वाला हूं यशस्वी जायसवाल को। जायसवाल ने लास्ट दोनों मैचों में कुछ खास नहीं किया है, लेकिन भाइयों आज के मैच में आपको बहुत कुछ करके दे सकता है। पूछोगे भाई क्यों करके दे सकता है, तो उसका रीजन है कि एमआई के खिलाफ लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हमेशा रन बनाते हैं। लास्ट जो मैच हुआ था एसआरएच के साथ में, उसमें भी ये बात बोली थी मैंने कि लेफ्ट हैंडर एमआई को हमेशा कूटते हैं। तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने अच्छे से धोया था, याद होंगे दो लेफ्टी। तो आज के मैच में यशस्वी जायसवाल राजस्थान की तरफ से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, तो भाई बहुत कुछ कर सकता है। थोड़ा ध्यान रखना यशस्वी जायसवाल के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा आज के मैच में। ठीक है, क्योंकि एमआई के खिलाफ लेफ्ट हैंडर्स के रिकॉर्ड बढ़ेगा जब। ठीक है, और यशस्वी जायसवाल ने लास्ट दो मैचों में ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है, तो भाई ये जायसवाल पे आज आपको निगाहें बना के रखनी है। ठीक है, तो जायसवाल को लेने वाला हूँ, और किसको लेने वाला हूँ उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाई रोहित शर्मा को लेने वाला हूँ, रोहित शर्मा का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है और वानखेड़े की पिच पर रिकॉर्ड बड़े ज़बरदस्त है। लेकिन हाँ, वानखेड़े की पिच पर फ्लॉप भी बहुत बार होता है रोहित शर्मा, तो ये भी ध्यान रखना। लेकिन आज मैं फिर भी रोहित शर्मा के साथ में ही जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि यार भाइयों देखो, ओपनिंग कर रहा है, कप्तानी हट गई है, प्रेशर कुछ नहीं है, अपनी मर्जी का खेल खेल रहा है रोहित शर्मा, और बढ़िया छक्के चौके अगर 10 बॉल खेल लेगा तो आपको 50 पॉइंट दिला देगा। ठीक है, 10 बॉल में वो 5 छक्के मार देगा, इतना तेज खेल रहा है। तो रोहित शर्मा 10 बॉल खेल ले, बस आपका काम हो जाएगा, ड्रीम टीम में तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो रोहित शर्मा को लेने वाला हूँ भाइयों, जायसवाल को लेने वाला हूँ भाइयों। अब मैं आपको बताता हूँ एक प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए बहुत बढ़िया पिक हो सकता है, शिमरन हेटमायर। पता चल रहा है जायसवाल नहीं चला, हेटमायर चल गया लेफ्टी। सिलेक्शन देखो आप, 14% लेफ्ट हैंडर एमआई के खिलाफ रन बनाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो शिमरन हेटमायर बहुत कुछ करके दे सकता है भाइयों आज के मैच में, तो ध्यान रखना हेटमायर के ऊपर। एमआई लेफ्ट हैंडर से हमेशा पिटती है, तो शिमरन हेटमायर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अगर आपको लेना है तो आप चाहो तो सेकंड बैटिंग में जरूर ले सकते हो, फर्स्ट बैटिंग में चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, सेकंड बैटिंग में वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड बैटिंग में क्या है कि थोड़ी ज़्यादा स्विंग होती है बॉल, तो हो सकता है टॉप ऑर्डर चला जाए राजस्थान का, तो फिर मिडिल ऑर्डर में आपको लेफ्टी बल्लेबाज शिमरन हेटमायर रन मार के दे दे अच्छे खासे। तो सेकंड बैटिंग में चाहो तो फर्स्ट बैटिंग में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं एमआई के खिलाफ। बाकी बात रही तिलक वर्मा की, तो भाई वो जबरदस्त फॉर्म चल रहा है, लास्ट मैच में 4th नंबर पे बल्लेबाजी भी की और अच्छा स्कोर किया, तो आपको इस मैच में भी हाई चांसेस है कि 4th नंबर पे खेलता हुआ दिखाई तिलक वर्मा दिखाई दे जाए। ठीक है, तो तिलक वर्मा को भी आप ले सकते हो, पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है अश्विन का डर, अश्विन आउट करता है लेफ्ट हैंडर्स को। बाकी हाँ, पिच पे बल्लेबाजों को हेल्प आज अच्छी खासी मिल सकती है, तो चाहो तो तिलक वर्मा के साथ में भी आप जा सकते हो, चाहो तो हेटमायर के साथ में भी आप जा सकते हो। टीम डेविड, भाई टीम डेविड की बैटिंग आती है नीचे, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर एमआई हार रही है, अगर आप राजस्थान के फेवर में टीम बना रहे हो, तो भाई उस कंडीशन में आप टीम डेविड को जरूर लेना। पूछोगे क्यों? देखो भाई, मुंबई की टीम अगर हारेगी तो टीम डेविड की बैटिंग आएगी। कल जैसे धोनी ने मार दिया ना एंड में आके छक्के चौके, तो वैसा ही काम आपको आज के मैच में टीम डेविड लास्ट मैच की तरह करता हुआ दिखाई दे सकता है। मैंने बोला था सेकेंड बैटिंग में टीम डेविड का बल्ला बोलने वाला है, और लास्ट मैच में बोला था। ठीक है भाइयों, तो टीम डेविड पे भी आपको आज के मैच में नजरें बना के रखनी है। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि राजस्थान आज का मैच जीतेगी, तो आप अपनी टीम में टीम डेविड को जरूर शामिल कर लेना। ठीक है भाइयों, बात करेंगे डी जुड़ेल की, तो यार भाइयों बैटिंग बहुत नीचे करता है, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुंबई जीतेगा, मुझे लग रहा है मुंबई जीतेगा, तो भाइयों डी जुड़ेल ग्रैंड लीग की एक शानदार पिक बन जाएगा, क्योंकि नीचे आएगा जब पूरा टॉप ऑर्डर खा जाएंगे मुंबई के बुमराह कोटजे और ये इम्फाफा वाफा, तो क्या है कि नीचे का जो बल्लेबाज रहेगा वो थोड़ा संभल के खिलेगा, तो उस कंडीशन में डी जुरेल का सिलेक्शन भी कम है और ज़्यादा पॉइंट मिल सकते हैं डी जुरेल से, और हर मैच में 2-3 कैच भी पकड़ रहा है डी जुरेल, तो थोड़ा ध्यान रखना जुरेल के ऊपर। टेस्ट मैच में भी जबरदस्त इनिंग खेल के आया है, ग्रैंड लीग जितवाई थी मुझे टेस्ट में जुरेल ने। ठीक है भाइयों, तो बल्लेबाजी सेक्शन में जो प्लेयर्स थे सबका आपको समझा दिया, अब चलते हैं ऑलराउंडर्स में। ऑलराउंडर्स में आ गया हूँ भाइयों,
ऑलराउंडर्स में बात करेंगे सबसे पहले हार्दिक पांड्या के ऊपर। तो भाइयों आज आप हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना सकते हो। पूछोगे भाई क्यों, तो भाइयों अगर ध्यान रखना अगर एमआई की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना सकते हो अपना। पूछोगे क्यों, तो भाइयों पहले बैटिंग करते हुए आपको अच्छे खासे रन मार के दे देगा, प्लस सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहा है तो स्विंग अच्छी मिलेगी। और वानखेड़े की पिच पे देखा था ना, वर्ल्ड कप के सारे मैच जिताए थे, ग्रैंड लीग जिताई थी, तो वही वानखेड़े की पिच सेकेंड इनिंग में बॉल बहुत लेर आती है तो सेकेंड इनिंग में ज़्यादा स्विंग मिल जाती है। तो सेकेंड इनिंग में शुरू में ही अपनी बॉलिंग करता है, डेथ ओवर में नहीं डालता है, शुरू में करता है, तो शुरू में ज़्यादा विकेट ले सकता है सेकेंड बॉलिंग में, प्लस पहले बैटिंग करते हुए अच्छे खासे रन मार सकता है। तो ध्यान रखना फिनिशर हार्दिक पांड्या, कप्तानी बहुत गंदी कर रहा है लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा है, पर क्या करें यार कप्तानी गंदी कर रहा है। ब्रेविस को खिलाना चाहिए तो शेफर्ट को इम्पैक्ट प्लेयर में खिला रहा है, एम फापा को काय को खिला रहा है। रोमारियो शेफर्ट से पहले फर्स्ट बॉलिंग में ज़बरदस्त गेंदबाज होता है रोमारियो शेफर्ट, पर ठीक है यार अब कप्तान हार्दिक है, क्या बोलूँ मैं, हार्दिक भाई को पता नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो हार्दिक पांड्या चाहो तो दोनों कंडीशन में भी ले सकते हो, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहले बैटिंग करते हुए रहेगा। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या लेने वाला हूँ, अगर पहले बैटिंग एमआई करेगी तो मैं कैप्टन भी बनाने वाला हूँ। ठीक है, बात करेंगे रविचंद्रन अश्विन के ऊपर। तो भाइयों ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, बैटिंग भी कर लेता है, देखा लास्ट मैच में क्या छक्के कुदारा था, तो आज भी सिलेक्शन कम है, विकेट अभी तक के एक ही मिला है इस आईपीएल में दो मैचों में, लेकिन आज के मैच में विकेट ले सकता है ईशान किशन तिलक वर्मा का। तो अश्विन के ऊपर ध्यान रखना भाइयों, आपको बैटिंग भी आपको करके दे सकता है और राजस्थान के आज हारने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अश्विन की आपको बैटिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, तो अश्विन को भी मैं लेने वाला हूँ। ठीक है भाइयों, रियान पराग लास्ट मैच में ग्रैंड लीग जिताई, बड़ा ही जबरदस्त फॉर्म चल रहा है, छक्के ऐसे मार रहा है यार, गेंदे घुमा दे रहा है, तो रियान पराग का फॉर्म बड़ा जबरदस्त है, पर एमआई के खिलाफ थोड़े ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, पर रियान पराग चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहा है भाई, बिल्कुल आप अपनी ग्रैंड लीग स्मॉल लीग टीम में ले सकते हो, फॉर्म बड़ा जबरदस्त चल रहा है। लास्ट ईयर जैसे जयसवाल चमका था, इस साल आपको रियान पराग पूरे मैचों में चमकता हुआ दिखाई दे सकता है, तो रियान पराग का फॉर्म बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप स्मॉल लीग में ग्रैंड लीग में दोनों में ले सकते हो। ठीक है, बल्ले से आपको अच्छा काम करके दे सकता है, पर अभी हाल फिलहाल के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ ग्रैंड लीग की टीमों में स्मॉल लीग की टीम में मैं ले सकता हूँ रियान पराग को आज के मैच में। ठीक है, खासकर जब लूंगा जब एमआई की टीम पहले बैटिंग करती है उस कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि शुरू में विकेट चले जाएंगे सेकेंड इनिंग में जब एमआई बॉलिंग करने आएगी, तो चौथे नंबर पे अच्छा काम करके दे सकता है, फर्स्ट बैटिंग में भी अच्छा काम करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो रियान पराग पे भाइयों ध्यान रखना है आपको आज के मैच में, ग्रैंड लीग जिता के आया है तो बुराई नहीं कर सकता भाई। ठीक है, बंदे ने ग्रैंड लीग जिताई है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखना क्या मेरी टीम थी डीसी वास आरआर के मैच में। चलो बात करेंगे रोमारियो शेफर्ट के ऊपर। तो भाइयों देखो रोमारियो शेफर्ट खेल रहा है और एमआई पहले बॉलिंग कर रही है, कैप्टन भी बना सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सीधा सीधा डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है और विकेट टेकर गेंदबाज है, पता नहीं यार क्यों बेचारे के साथ में नाइंसाफी हो रही है, एसआरएच में था तो एसआरएच वाले नहीं खिला रहे थे, एमआई में आया है तो एमआई वाले नहीं खिला रहे हैं, लेकिन प्लेयर बहुत शानदार है, यहाँ वहाँ खेलता है सीपीएल बीपीएल हर कहीं जगह खेलता है, विकेट जरूर लेता है, रन भी मारता है। तो पहले बॉलिंग अगर एमआई करेगी और रोमारियो शेफर्ट खेलता हुआ अगर आपको दिखाई देगा तो आग बन करके लेना मेरे कहने के ऊपर, याद करोगे हाँ भाई ने कुछ बताया था। ठीक है, तो रोमारियो शेफर्ट फर्स्ट बॉलिंग में वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। एन धीर भाइयों वन डाउन बैटिंग कर रहा है, ठीक है, और बॉलिंग भी करता है, जयसवाल एक लेफ्टी है, शिमरन हेटवार एक लेफ्टी हो सकता है, एमआई की जो लेफ्टियों से पिटने की आदत है वो उसमें सुधार कर दे एन धीर, लेफ्टियों के विकेट ले जाए एन धीर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना जयसवाल मुझे लग रहा है कि आज के मैच में टिकने वाला है, तो एन धीर कुछ ओवर आपको बॉलिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है, प्लस वन डाउन बैटिंग कर रहा है तो टॉप ऑर्डर में खेल रहा है और बॉलिंग भी डालने के आज ज़्यादा चांसेस है एन धीर के, अगर लेफ्टी स्ट्राइक पे रहेंगे तो धीर देख लेना बढ़िया काम करके दे सकता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए नहीं ले रहा हूँ मैं, अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में आ गया हूँ, पहले बात करेंगे कौन कौन से बॉलर्स आपको इस मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे। चहल बुमराह बोल्ट ये तो आपको कन्फर्म खेलते हुए दिखाई देंगे,
आवेश खान, कोटजिया, पीयूष चावला, ये भी आपको कंफर्म खेलते हुए दिखाई देंगे। बर्गर कंफर्म आपको खेलता हुआ दिखाई देगा, और अगर राजस्थान पहले बैटिंग कर रही तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलता हुआ दिखाई देगा। लास्ट मैच में देखो सिलेक्शन कितना कम था, सिर्फ 3%, और वीडियो में बता के आया था अपनी स्मॉल लीग टीम में लेके दिया था, अपनी ग्रैंड लीग की सारी टीमों में लिया था, ग्रैंड लीग विन करी थी लास्ट आरआर के मैच में। संदीप शर्मा भी आपको खेलता हुआ दिखाई देगा। महाराज को भी ऐड कर लिया गया भाई और राजस्थान की तरफ से, लेकिन महाराज का थोड़ा सा मुश्किल है इस मैच में खेलना। ए मधवाल ने लास्ट मैच कमाल किया था, लेकिन लास्ट ईयर कमाल किया था, लेकिन इस साल मौका ही नहीं मिल रहा है मधवाल को। मौका मालूम है मिलना चाहिए, किसकी जगह पे मिलना चाहिए बताऊं? श्याम्स मुलानी की जगह मधवाल को खिला लो। इसी पिच पे लास्ट ईयर भाई तीन तीन चार चार विकेट लेके गया था मधवाल वानखेड़े में। तो मधवाल अगर खेलता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना मधवाल के ऊपर। तुषारा हो सकता है भाई, एम फापा की जगह पे आपको, एम फाका बहुत छोटा बच्चा है यार, 17 साल का लड़का है और बहुत मारा यार उसको, पटक पटक के मारा है एसआरएच वालों ने बहुत मारा। तो एम तुषारा भी आपको आज के मैच में खेलता हुआ दिखाई दे सकता है एम फाका की जगह पे, ठीक है। नवदीप सैनी को मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि राजस्थान अपना विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ में बार बार उतर रही है, जब हारेगी तब कुछ चेंज करेगी, लेकिन अभी चेंज करने की गुंजाइश नहीं है आरआर की तरफ से। सुरेश गोपाल मुश्किल है, कुलदीप सेन मुश्किल है, कुमार कार्तिका मुश्किल है इस मैच में खेलना, श्याम्स मुलानी लेफ्ट आर्म स्पिनर होने की वजह से आपको खेलता हुआ दिखाई दे रहा है दोनों ही मैचों में, लेकिन किया कुछ नहीं, तो हो सकता आज के मैच में रेस्ट दे दिया जाए, और हो सकता है कि कुमार कार्तिका को मौका दे दिया जाए, ये भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। बाकी एम फाका मुश्किल है आज के मैच में खेलना एम फाका का, क्योंकि एम आई भाई दो मैच हार गई है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेगी इस मैच में, और होम ग्राउंड में मैच है और इस मैच पे कब्जा करना चाहेगी एम आई। चलो बात करेंगे भाइयों कि कौन सा बॉलर किस कंडीशन में इंपॉर्टेंट है और मैं किस कंडीशन में किसको लेने वाला हूँ। तो भाइयों देखो, चहल दोनों कंडीशन में ले सकते हो, आईपीएल का क्या मतलब यार बोलूँ, इंडिया में पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे बेचारे को, बहुत ही जबरदस्त स्पिनर है, लेफ्टी राइटी दोनों को आराम से आउट करता है, लेग स्पिन गुगली बहुत ही जबरदस्त फेंकता है, विकेट टेकर गेंदबाज है चहल, इसलिए सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा क्रेडिट चहल का है बुमराह की बराबरी में, ठीक है। तो चहल भाइयों जबरदस्त प्लेयर है, दोनों ही कंडीशन में आप ले सकते हो, फर्स्ट बैटिंग में भी सेकंड बैटिंग में भी, ठीक है, मतलब फर्स्ट बॉलिंग में भी सेकंड बॉलिंग में भी, विकेट टेकर प्लेयर है भाई, ग्रैंड लीग जिताई है लास्ट मैच में, ठीक है, दो विकेट ले गया था। जसप्रीत बुमराह, बुमराह को भी भाई दोनों कंडीशन में ले सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर सीबीसी बनाना चाहते हो तो फर्स्ट बॉलिंग अगर करती है एमआई की टीम तो आप सीबीसी भी अपना रख सकते हो फर्स्ट बॉलिंग में। ट्रेंट बोल्ट फर्स्ट बॉलिंग में रिस्की रहेगा, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, अगर आरआर पहले बैटिंग कर रही है तो भाई सेकंड इनिंग में आपको अच्छे खासे गुच्छों में विकेट निकाल के दे सकता है। सेकंड बॉलिंग में क्या है कि ये पूरा स्पेल अपना पावर प्ले में खत्म करता है, फिर आखिरी में बॉल डालने आता नहीं है, तो फर्स्ट बॉलिंग में होगा रिस्की, लेकिन सेकंड बॉलिंग में सीबीसी बनाने लायक, ठीक है। तो ट्रेंट बोल्ट को कब लेना है, राजस्थान पहले बैटिंग करती है उस कंडीशन में। आवेश खान का सिलेक्शन है सिर्फ 9%, अगर आप आवेश खान को इस मैच में लेना चाहते हो तो भाई अगर राजस्थान पहले बॉलिंग करती है तो उसी कंडीशन में लेना, नहीं तो मत लेना, समझ गए, क्योंकि ये भी डेथ ओवर्स के लिए ही बना हुआ है और राजस्थान इसका यूज डेथ ओवर्स में ही कर रही है, तो फर्स्ट बॉलिंग में वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, आखिरी के दो ओवर आपको डालता हुआ दिखाई देगा। कोटजे भाई पथिराना वाला रोल कर रहा है, जो धोनी ने पथिराना को रोल देके रखा है 14वां 16वां 18वां 20वां, तो कोटजे भी वही काम कर रहा है 14वां 16वां 18वां 20वां ओवर डाल रहा है, तो कब इम्पोर्टेंट रहेगा फर्स्ट बॉलिंग में, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना मेरी, ये मेरा फेवरेट प्लेयर है पूरे वर्ल्ड कप में, सारे मैचों में मैंने आपको दिलवाया, हर वीडियो में इसका, जब भी साउथ अफ्रीका का मैच था तो आपको बोला कि कैप्टन बनाना, और बंदा हर मैच में 3-4 विकेट लेके जाता था, हर मैच में वर्ल्ड कप के जितने मैच हुए थे सारे मैचों में अच्छे खासे पॉइंटों के साथ में ड्रीम टीम में आया था। तो कोटजे के साथ में अपना बहुत यार मतलब पुराना है, जितवाता है यार बंदा, हमेशा जितवा के देता है, मतलब जब ये साउथ अफ्रीका की T20 लीग्स में खेलता था ना तब से मैं जीतता आ रहा हूँ कोटजे को ले लेके, तो अच्छा प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, विकेट हमेशा निकालता है, विकेट टेकर गेंदबाज है, प्लस बैटिंग भी कर लेता है, तो ध्यान रखना कोटजे अगर एमआई की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो भाई सीवीसी भी आप अपना बना सकते हो, जैसा कल मोहित शर्मा के बारे में बताया था, पथिराना के बारे में बताया था,
तो वही काम आपको फर्स्ट बॉलिंग में कोटजे भी करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी आपको करता हुआ दिखाई देने वाला है। पीयूष चावला दोनों ही कंडीशन में ले सकते हो, विकेट टेकर गेंदबाज है, राइट हैंडर्स के विकेट लेना बहुत अच्छे से आता है, तो हो सकता है सैमसन बटलर के विकेट ले जाए, तो चावला पे भी ध्यान रखना भाइयों, बहुत पुराना खिलाड़ी है, 2004-5 से खेल रहा है और विकेट लेता है यार, अभी तक के विकेट लेता है, हर मैच में विकेट लेता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, आज पीयूष चावला ज़्यादा भी विकेट ले सकता है, ठीक है, क्योंकि एमआई के थोड़े ज़्यादा जीतने के चांसेस हैं। नांद्रे बर्गर बहुत सस्ता खरीदा था और बहुत बड़े बड़े काम करके दे रहा है, बोल्ड से अच्छी गेंदबाजी कर रहा है और भाई मेरे को तो ग्रैंड लीग जिता के दे रहा है, आज भी लूंगा अगर राजस्थान पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि सेकंड इनिंग में आएगा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में और ये जो सिलेक्शन है ये और भी कम हो जाएगा, 10% भी नहीं रहेगा अगर राजस्थान पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर को कोई नहीं लेता है लेकिन आपका भाई लेता है, तो ध्यान रखना राजस्थान पहले बैटिंग करेगी तो बर्गर को लेना ही है भाई, विकेट निकाल के देगा ही देगा सेकंड इनिंग में, क्योंकि यहाँ पे बहुत मोमेंट मिलता है, बहुत स्विंग होती है फास्ट गेंदबाजों की बोले, तो ध्यान रखना सेकंड बॉलिंग में नांद्रे बर्गर कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। और ठीक इसी का उल्टा संदीप शर्मा फर्स्ट बॉलिंग है अगर राजस्थान की, तो भाई ये भी वही काम कर रहा है यार, 14, 16, 18, 20 सब धोनी की नकल कर रहे हैं, एक गेंदबाज ऐसा बना रहे हैं जो बिल्कुल डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करे, तो संदीप शर्मा भाई 7% सिलेक्शन है, राजस्थान पहले बॉलिंग करेगी ना मैं पक्का बता रहा हूँ विकेट जरूर लेके जाएगा, सेकंड बॉलिंग में छोड़ देना, फर्स्ट बॉलिंग में कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है संदीप शर्मा, तो ध्यान रखना अगर राजस्थान पहले बॉलिंग कर रही है तो कमाल करके दे देगा, ठीक है, और क्या है कि मैच टक्कर वक्कर का हो गया तो सेकंड बॉलिंग में भी आपको विकेट निकाल के दे सकता है, क्योंकि सेकंड बॉलिंग का इसलिए मना करता हूँ ऐसे बॉलर्स का, क्योंकि भाई पता चल रहा उतना मैच ही नहीं गया, 15 ओवर में ही चेस हो गया, तो ये जो नीचे के गेंदबाज होते हैं इनके ओवर पूरे ही नहीं हो पाते हैं, तो पावर प्ले के जो गेंदबाज होते हैं सेकंड बॉलिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हाँ मैच अगर टक्कर का हो रहा है तो कल किसे मुकेश कुमार ने एंड में आके 3 विकेट निकाले तो वैसे भी काम कर जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, मेरा काम है आपको बता देना कि भाई ये इस टाइम पे बॉलिंग करेगा, और मैं ज़्यादातर भाइयों सही बताता हूँ, गेंदबाजों का प्रेडिक्शन आपके भाई से अच्छा शायद ही कोई देता है। श्याम सुमलानी थोड़ा रिस्की यार भाइयों, बॉलिंग ही पूरी नहीं मिलती है। एम फाका मुश्किल है इस मैच में खेलना, हाँ अगर एम फाका खेलता है तो सेकंड बॉलिंग में जो ये -2 है ना 50+ पॉइंट दिला सकता अगर सेकंड बॉलिंग एमआई की है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, फर्स्ट बॉलिंग में नहीं लेना है अगर खेलता है तो, अगर सेकंड बॉलिंग है एमआई की तो और अगर खेल रहा है तो ले लेना है, ठीक है, बाकी मैं बता दूंगा सब्स्टिट्यूट इंपैक्ट प्लेयर कौन से रहेंगे टेलीग्राम में, हर बार बताता हूँ, हर रोज बताता हूँ टॉस के टाइम पे कि ये आएगा भाई इंपैक्ट प्लेयर और वही आते हैं, तो फाइनल जो रहेगा इंपैक्ट प्लेयर कौन आएगा वो तो टॉस के बाद ही बताऊंगा भाइयों टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब भाइयों देखो बॉलर्स का मैंने आपको सारे बॉलर्स का बता दिया कि फर्स्ट इनिंग में इसको लेना है, सेकंड इनिंग में इसको लेना है, ठीक है, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि एमआई की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, तो यहाँ से बुमराह, कोटजे, बोल्ट और बर्गर, ठीक है, चहल को नहीं ले पाया हूँ, लेकिन हाँ चहल को भी आप मैनेज करके ले लेना, भले एक विकेट कीपर कम करना पड़े तो कम कर लेना, लेकिन चहल को जरूर ले लेना क्योंकि विकेट हमेशा निकालता है, तो मैं भी करूंगा ऐसा, कुछ हो सकता है कि अश्विन को मुझे हटाना पड़े, हो सकता है मुझे सैमसन को हटाना पड़े, हो सकता है मुझे रोहित शर्मा को हटाना पड़े, किसी ना किसी को मुझे हटाना पड़ेगा और चहल को लेना पड़ेगा। देखो एक काम ये भी कर सकते हो कि देखो एमआई पहले बॉलिंग कर रही है तो आप हार्दिक पांड्या को हटा सकते हो, फिर आपको चहल मिल जाएगा, ठीक है, ये काम भी कर सकते हो अगर एमआई पहले बॉलिंग कर रही है, तो क्या है कि हार्दिक वही शुरू में बॉलिंग करेगा और शुरू में बटलर और जयसवाल बैठे हुए हैं, ज़्यादा मूवमेंट शुरू में नहीं मिलेगा लेकिन सेकंड इनिंग में जरूर मिलेगा, तो सेकंड इनिंग में हार्दिक इंपॉर्टेंट है लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ठीक है, तो ये टीम रहेगी भाई अगर एमआई पहले बॉलिंग करती है उस कंडीशन में, ठीक है, कोटजे डेथ ओवर के लिए, बुमराह डेथ ओवर के लिए, बाकी शुरू में अपने पास में बटलर, सैमसन और जयसवाल रन मारने के लिए, तो शुरू के जो बॉलर हैं वो फ्लॉप होंगे तभी तो अपने बल्लेबाज रन मारेंगे, ठीक है, रन मारेंगे तब फ्लॉप होने का फ्लॉप प्लेयर को अपन क्यों लेंगे, ठीक है, तो थोड़ी सी राजस्थान के फेवर में बन गई है अगर राजस्थान पहले बैटिंग कर रहा है तो, और मेरा प्रेडिक्शन यही है जो टीम पहले बैटिंग करे ज़्यादा जीतने के चांस उसके हैं, लेकिन आज एमआई अपनी जान लगा देगी जैसे कल दिल्ली ने लगाई थी, ठीक है, तो अगर मान के चलो कि एमआई पहले बॉलिंग कर रही है तो भाई सबसे बढ़िया कैप्टन यहाँ से रहेगा कोटजे, वाइस कैप्टन बटलर को कर सकते हो, जयसवाल को कर सकते हो,
किशन को कर सकते हो या फिर बुमराह को कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैंने ये दोनों को सीवीसी बनाया है। अब मैं एक टीम आपको बना के बता देता हूं, भाइयों, मुंबई की टीम अगर पहले बैटिंग करती है उस कंडीशन में, तो मुंबई पहले बैटिंग करेगी तो ध्यान रखना, देखो मैं किस किस को लूंगा, देखना। आवेश खान, संदीप शर्मा, जसप्रीत बुमराह को दोनों कंडीशन में रख रहा हूं, और एम फाका पता नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा, अभी के लिए रख लेता हूं, बाकी एम फाका की जगह पे जो खेलेगा उसको रख लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड इनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चार गेंदबाज हो गए। हार्दिक पांड्या वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर एमआई पहले बैटिंग करेगी, ठीक है। रोमारियो शिपर्ट को नहीं लेके दिया था, लेकिन हाँ एमआई पहले बॉलिंग करती है तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना। बैटिंग सेक्शन में जयसवाल के बढ़िया रिकॉर्ड है, और एमआई पहले बैटिंग करी तो रोहित शर्मा को रखना पड़ेगा भाई कैसे भी करके, ईशान किशन को रखना पड़ेगा, बटलर के बहुत अच्छे रिकॉर्ड है इनके खिलाफ, और बचेंगे दो प्लेयर तो दो एमआई पहले बैटिंग कर रहा है, ये ध्यान रखना है अपने को। अश्विन को रखना ही है भाई, दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। और यहाँ से पीयूष चावला, कोटजे तो ले ही नहीं पाया, ठीक है, कोटजे पे एक रिस्क रहेगा सेकेंड बैटिंग में और सेकेंड बॉलिंग में, लेकिन मैं फिर भी भाई होगा तो लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसको छोड़ नहीं पाता हूँ यार। इस टीम में आप चाहो तो अश्विन की जगह पे चहल को भी ले सकते हो, बोलोगे क्यों, क्योंकि चहल भी आखिरी में गेंदबाजी कर देता है, आखिरी में दो ओवर डाल देता है, 17वां और 20वां, क्योंकि लास्ट ईयर से देख रहा हूँ आईपीएल में संजू सैमसन इसका यूज़ डेथ ओवर्स में करता है, तो फर्स्ट बॉलिंग में चहल भी इंपॉर्टेंट है। तो एमआई की टीम अगर बैटिंग करती है तो आप इस टीम के साथ जा सकते हो, और अगर ग्रेन लीग खेल रहे हो तो देखो भाई थोड़ा रिस्क आप ले सकते हो, कैसा, बटलर को हटाने का, जयसवाल को हटाने का, माना कि लेफ्टी के रिकॉर्ड अच्छे हैं तो आप लेफ्टी रखो ना, यहाँ से दूसरा वाला रिस्की वाला ग्रीन लीग खेल रहे हो तो, ठीक है, ये काम आप कर सकते हो। एक प्लेयर बचेगा तो वो आप चाहो तो रियान पराग को रख सकते हो, चाहो तो रविचंद्रन अश्विन को रख सकते हो, तो ये काम आप कर सकते हो, ग्रीन लीग की टीम हो जाएगी आपकी एमआई की टीम अगर पहले बैटिंग करती है उस कंडीशन में, ठीक है। बात रहेगी सीवीसी की, तो भाइयों सीवीसी बताने से पहले दो चीज आपको बताना चाहूंगा, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या इंपॉर्टेंट है, देखो भाइयों इस मैच की आपको जो मेरी फाइनल टीम है वो टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगी। ध्यान रखना मेरा सिर्फ एक ही टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, वहीं से आप ज्वाइन करना, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपका भाई प्राइम मेंबरशिप भी देता है, प्राइम मेंबरशिप आपको ज्वाइन करने के बाद में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी समझा देता हूँ। तो भाइयों प्राइम ज्वाइन करने के बाद में आपको मेरी ग्रैंड लीग की टीम्स मिलेगी टॉस होने के बाद में लाइनअप आउट होते ही, ठीक है, प्राइम ग्रुप में भेजता जाता हूँ। तो अगर आपको मेरी ग्रैंड लीग की टीम्स चाहिए तो कैसे लोगे, प्राइम ज्वाइन करके, प्राइम ज्वाइन करने के लिए बता देता हूँ क्या करना होगा। भाई देखो मेरे नाम से होते हैं बहुत फ्रॉड, लोगों से आपको बचना होगा। मैं अपना आपको रियल व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9131658484। ये व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, लेकिन फिर भी अपने मुंह से बोल के बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे नाम से ना आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, हर कोई मेरी डीपी लगा के हर किसी को मैसेज करता है और लूट लेता है, तो बच के रहो उनसे, इसलिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया। कभी भी प्राइम ज्वाइन करना है यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो मुझसे, बाकी हाँ यहाँ पर आप मैसेज करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सअप चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। वैसे आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है भाइयों। तो जो कुछ था सब कुछ समझा दिया है, बात करेंगे अब इस टीम में सीवीसी की। चलो तो भाइयों देखो एमआई पहले बैटिंग कर रही है तो हार्दिक पांड्या से बढ़िया कोई कैप्टन नहीं है, तो हार्दिक पांड्या मेरा कैप्टन। बाकी वॉइस कैप्टन आप चाहो तो संदीप शर्मा को बना सकते हो ग्रीन लीग की टीम में, ठीक है, रिस्क रिवर्ट दे सकता है, ठीक है। बाकी चाहो तो रोहित शर्मा बुमराह इनको भी बना सकते हो, ठीक है, पर अभी हाल फिलहाल के लिए रख रहा हूँ संदीप शर्मा को अपना वीसी। अगर भाई देखो जो काम पथिराना ने कल किया है, जो काम कल मोहित शर्मा ने किया है, वही काम फर्स्ट बॉलिंग अगर राजस्थान की है तो संदीप शर्मा कर सकता है, और अगर एमआई की पहले बॉलिंग है तो वही काम आपको कोटजे करके दे सकता है, इसी ध्यान रखना, ठीक है भाइयों। तो जो कुछ था सब कुछ बताया, बाकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ठोक देना, एक कमेंट ठोक देना, और इस आईपीएल में आपके भाई का राज चल रहा है, धमाके कर रहा है आपका भाई। अगर आपको पर डे एकदम सटीक प्रेडिक्शन चाहिए, यकीन नहीं है, कल की वीडियो देख लो,
सारी वीडियो देख लो मेरी आईपीएल की भाई, बोलोगे हाँ यार भाई बताते हैं सब कुछ एकदम परफेक्ट। तो अगर आपको सटीक प्रेडिक्शंस चाहिए आईपीएल में, आईपीएल के बाद में भी जो भी इंटरनेशनल मैच होंगे सब में, तो इस चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को करो प्रेस। इससे होगा क्या कि जब भी वीडियो पोस्ट करूँगा आपके पास आएगा नोटिफिकेशन, फिर क्या है वीडियो देखो और ग्रैंड लीग्स जीतो। आपका भाई ऐसा है इस फील्ड में जो सबसे ज़्यादा ग्रैंड लीग जीता है, लोगों से स्मॉल लीग्स विन नहीं होती, आपका भाई आए दिनों ग्रैंड लीग्स विन करता है। यकीन नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, देखो रील्स बना बना के डाल देता हूँ जब भी ग्रैंड लीग्स जीत जाता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना भाइयों, ठीक है, वहाँ पे भी आपका भाई शॉर्ट वोट डालता रहता है अपनी टीम की, ठीक है। बाकी जो पूरा एनालिसिस होता है, पूरा प्रेडिक्शंस जो होता है, वो तो आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है भाइयों। तो जो कुछ था सब कुछ समझाया, मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, शाम को 6 बजे लाइव मिलूंगा, जो भी न्यू अपडेट्स होगी सब बता दूंगा लाइव में आके, एक और बार अच्छे से समझा दूंगा। और लाइव में ग्रैंड लीग की टीम भी देता हूँ, जैसे ही टॉस होता है फाइनल मेरी ग्रैंड लीग की टीम रहती है लाइनअप के बाद में एक, बाकी स्मॉल लीग तो टेलीग्राम पे दे देता हूँ। लेकिन लाइव सेशन में ज़रूर आया करो, लाइव सेशन में देखना, सुनील नारायण का क्लियर बता दिया था अभी जब पिछली बार आया था लाइव, तो कैप्टन बनने वाला था वो, क्लियर बता दिया था लाइव सेशन में, बोला था 10 बॉल अगर खेल ली इसने तो कैप्टन बन जाएगा, और वही हुआ था, ठीक है भाइयों। तो 6 बजे मिलेंगे सीधे लाइव सेशन में, मिस मत करना, नहीं तो ग्रैंड लीग मिस कर दोगे। बाकी 6 बजे मिलते हैं भाइयों लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स।